दोस्तों, कर्ज में डूबी फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने मंगलवार को कहा है कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर 9.10 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि ये भुगतान 11 अप्रैल तक किया जाना था, लेकिन फ्यूचर ग्रुप फर्म की एक रेगुलेटिंग फाइलिंग में कहा गया है कि 11 अक्टूबर 2021 से 10 अप्रैल 2022 की अवधि का ब्याज नहीं भर पाई है। और दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस जिस ग्रॉस प्रिंसिपल अमाउंट पर डिफॉल्ट हुई है वो 180 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि ये डिबेंचर सेफ होते हैं और इस पर ईयर 10.15% का कूपन रेट मिलता है। वहीं फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने कहा है कि कंपनी 11 अप्रैल 2022 को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पर ब्याज के संबंध में अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने पिछले 2 महीने में कई भुगतान में डिफॉल्ट किया है। और तो और, इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने बैंकों के कंसोर्टियम को 2,835 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट की जानकारी दी थी। दोस्तों, मार्च के महीने में फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने बैंकों को 2 बार 19 करोड़ रुपए और 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई और डिफॉल्ट साबित हुई। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप की हर एक कंपनियों पर एक मुसीबत का बोझ आ पड़ा है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर ग्रुप सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।